स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत एक एथेनॉल खरीद तंत्र को मंजूरी दी है। ध्यान रहे, इसका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। दरअसल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है, एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के दौरान आगामी चीनी सीजन 2022-23 के लिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे प्राप्त एथेनॉल से अधिक राजस्व प्राप्त करने को मंजूरी दी है। सभी उत्पादक इकाई इस योजना का लाभ उठा सकती है और इनसे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम कार्यक्रम के लिए एथेनॉल की आपूर्ति की उम्मीद भी है। इसका सबसे बड़ा लाभ एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को लाभकारी मूल्य की प्राप्ति, गन्ना किसानों को शीघ्र भुगतान करने में मदद करेगी, जो गन्ना किसानों की कठिनाइयों को कम करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल को 10% तक एथेनॉल के साथ मिश्रित कर बेच रही हैं। ध्यान रखने योग्य तथ्य है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबरा और लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आपूर्ति निर्भरता को कम करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार 2014 से ही एथेनॉल की कीमतों को नियंत्रित कर रही है। स्मरण करा दें, 2018 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा एथेनॉल उत्पादन के लिए उपभोग किए जाने वाले फीडबैक स्टॉक के आधार पर एथेनॉल के अलग अलग मूल्य निर्धारित किए गए थे। इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के द्वारा एथेनॉल की खरीद 2013-14 से 38 करोड़ लीटर से 2021-22 में 452 करोड़ लीटर तक बढ़ गई है। इसके साथ पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को नवंबर 2022 से पहले जून 2022 में ही हासिल कर लिया गया है। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से चेंज करके 2025-26 कर दिया है। भारत सरकार ने भारत में एथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप 2020-25 को भी सार्वजनिक कर दिया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, ये सभी कदम व्यापार सुगमता को बढ़ाएंगे, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचबी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।